जय हिंद। न्यू स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जैन धर्म के लास्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि जैन साहित्य और जैन सभा के कुछ प्रतीक और कुछ अन्य बिंदु पर आज हम लोग चर्चा करके जैन धर्म को आज समापन करेंगे। इससे पहले कि वीडियो में हम लोग देखे थे कि जैन धर्म का विभाजन क्यों हुआ था, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा किए हुए थे। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे जैन साहित्य के बारे में, तो जैन धर्म का भी अपना साहित्य रहा है, साहित्य का कुछ भागों में विभाजन किया गया। हम लोग आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं जैन साहित्य से। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। तो जैन साहित्य को जो असल में जो है वो कितने भागों में? 12 भागों में रचना किया गया। जैसे एक एग्जांपल ले, टेंथ क्लास में, तो टेंथ क्लास में 5 भागों में डिवाइड किया गया है। टेंथ क्लास को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो इसी प्रकार से जो यहाँ जो हम लोग देखेंगे तो जैन साहित्य को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 12 भागों में। और ये 12 भाग को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। आप इसे याद रखिएगा, जैन साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 12 भागों में। और 12 भाग को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। फिर अंग को भी विस्तार पूर्वक किया गया है, मतलब अंग को भी डिवाइड किया गया और अंग को भी 12 भागों में डिवाइड किया है। अंग को 12 भाग में डिवाइड किए उसे कहते हैं उपांग। तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। और फिर इस ग्रंथ का परिशिष्ट किया गया, ग्रंथ को भी क्या किया गया है? पार्ट पार्ट में बांटा गया है और प्रकीर्णन किया गया है। कितने भागों में? 10 भागों में प्रकीर्णन किया गया है। और इसमें जो है छेद सूत्र, इसमें ग्रंथ है एक छेद सूत्र जो 6 है, वो ग्रंथों की संख्या कितना है? छेद सूत्र ग्रंथों की संख्या 6 है। और उसमें जो छेद सूत्र में किसका वर्णन किया गया है? जैन धर्म के जो भिक्षुक थे उसके बारे में चर्चा किया गया है। और भिक्षुक का क्या नियम है, भिक्षुक किस प्रकार से रहेंगे, भिक्षुक क्या क्या सीखेंगे, समाज को किस प्रकार से क्या क्या सिखाएंगे, इन सभी का विस्तार पूर्वक चर्चा छेद सूत्र में किया गया है। और इसमें जो है मूल सूत्र की संख्या कितना है? 4 है। जैन साहित्य में मूल सूत्र की संख्या कितना है? तो 4 है। छेद सूत्र की संख्या कितना है? तो 6 है, जिसमें भिक्षुक के नियम का वर्णन किया गया है। इसके बाद है जैन साहित्य कितना है? तो 12 है और उसे अंग कहते हैं। फिर अंगों का विस्तार किया गया है और उसे कहते हैं उपागम। उस उपागम का भी संख्या कितना है? 12। इसके बाद प्रकीर्णन, ग्रंथ का परिशिष्ट किया गया, मतलब ग्रंथ को भी क्या किया गया है? एकत्रित किया गया। जो इम्पोर्टेंट, जैसे हम लोग क्या करते हैं बुक का नोट्स बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ग्रंथों का परिशिष्ट करना ग्रंथों का नोट बनाने के बराबर होता है। और उसे प्रकीर्ण कहते हैं। प्रकीर्ण की संख्या कितना है? तो 10 है। तो आप इसे याद रखिएगा। भगवती सूत्र जो है महावीर स्वामी और उसके जो कुछ मुनि थे, उसके साथ जो कुछ मुनि थे उनका जीवन चरित्र और उनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा जो किया गया है वो किसमें किया गया है? भगवती सूत्र में। तो किसमें किया गया? भगवती सूत्र में। और कल्प सूत्र में जो किया गया प्रारंभिक रूप में जैन धर्म की स्थिति क्या है, क्या थे, इन सभी का चर्चा किसमें किया गया? तो कल्प सूत्र में किया गया। तो प्रारंभिक जैन धर्म के जो प्रारंभ करता थे वो ऋषभ देव थे। हम लोग देखे हुए थे कि इसके 24 तीर्थंकर हुए, तो 24 तीर्थंकर में पहला तीर्थंकर हुए थे ऋषभ देव। इसके बाद सबसे अंतिम तीर्थंकर होंगे महावीर स्वामी, जो कि सबसे प्रभावी रहे। तो प्रारंभिक धर्म की जो जानकारी कहाँ से मिलता है वो कल्प सूत्र से मिलता है। और महावीर स्वामी एवं उनके के साथ जो कुछ मुनि थे उनका जीवन चरित्र का जो वर्णन मिलता है वो भगवती सूत्र में मिलता है। और भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का भी वर्णन मिलता है। 16 महाजनपद
हम लोग आगे वीडियो में 16 महाजनपद के बारे में चर्चा करेंगे, और महाजनपद में सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद कौन रहे, इन सब के बारे में हम लोग काफी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप जैन साहित्य विस्तार पूर्वक आप समझ गए होंगे, और जैन साहित्य से इससे ज्यादा कहीं से क्वेश्चन आता भी नहीं है, जितना आते हैं हम उनके बारे में चर्चा इस वीडियो में कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं प्रतीक चिन्ह, जैन साहित्य के जो कुछ कुछ प्रतीक चिन्ह है, जैसे कि बैल और ऋषभ, बैल और ऋषभ का जो प्रतीक चिन्ह है वो ऋषभ देव है, और ऋषभ देव कौन थे, पहले तीर्थंकर थे, कौन से, पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, कौन पहले तीर्थंकर थे, और उसे बैल और ब्रीसन से संकेत में मतलब जैसे हर चीज का संकेत होता है, कुछ संकेत होता है, ठीक उसी प्रकार से जैन साहित्य में जो प्रतीक चिन्ह है बैल का या ब्रीसन का जहाँ चिन्ह दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा ऋषभ देव को इंकित कर रहा। फिर अजीतनाथ को किस चिन्ह से संबोधित किया गया, तो हाथी से। पार्श्वनाथ अजीतनाथ ये आपको वैष्णव तीर्थंकर है, कितने केमे तीर्थंकर, वैष्णव तीर्थंकर। पार्श्वनाथ हम लोग देखे थे वो केमे तीर्थंकर है, तो 23वें तीर्थंकर है, और उसे सर्प से इसका जो इंकित किया जाता है, चिन्हित किया गया है वो सर्प से, और महावीर स्वामी को जो चिन्हित किया गया है प्रतीक चिन्ह है वो सिंह, क्या है, सिंह है। तो ये कोई कठिन नहीं है, महावीर स्वामी तो सिंह, पार्श्वनाथ तो सांप, सांप का मतलब होता है सांप, हम लोग जानते हैं सांप के बारे में, तो सांप का जहाँ चिन्ह मिले तो उसे समझ लीजिएगा ये पार्श्वनाथ है। हाथी का जहाँ संकेत मिले या संकेतिक चिन्ह मिले तो आप उसे आप समझ लीजिए अजीतनाथ है, और बैल का जहाँ संकेतिक मिले तो ऋषभ देव है। इसके साथ ही जैन धर्म के कुछ अन्य बिंदु के बारे में भी देख लेते हैं, जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। जैसे कि खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का मंदिर जैन धर्म और हिंदू धर्म को जोड़ के देखा जाता है, किस किस कुछ को, जैन धर्म को और हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म को क्या किया जाता है, जोड़ के देखा जाता है। साथ में माउंट आबू जो कि राजस्थान में है, माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का मंदिर, वो भी किस धर्म से संबंध रखते हैं, तो जैन धर्म से संबंध रखते हैं ये मंदिर, तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसे भी ध्यान जरूर रखिएगा। और श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला कहाँ है, कर्नाटक में, हम लोग पीछे की वीडियो में देखे थे श्रवण बेलगोला, जब अवध में 12 साल का काल आए हुए थे, तो क्या के जो अनुयायी थे वो क्या किए थे, श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए थे, और कर्नाटक श्रवण बेलगोला में ही बाहुबली, इसका बाहुबली, बाहुबली का मूर्ति है, सबसे बड़ा बाहुबली का मूर्ति है, और इस मूर्ति का जो निर्माता है गंग वंश के जो मंत्री थे चामुंड, चामुंड के द्वारा क्या किया गया था, बाहुबली की मूर्ति का निर्माण कराया गया था। और साथ में जो यह होते हैं श्रवण बेलगोला कर्नाटक में 12 साल पर एक आयोजन का, एक जैसे कि एक मेला होता है, एक महोत्सव होता है, एक महोत्सव का आयोजन किया जाता है, और इस महोत्सव को नाम दिया गया है महामस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक महोत्सव, ये श्रवण बेलगोला में 12 वर्षों पर मनाया जाता है, और ये काफी प्रसिद्ध है, तो कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा, कभी कभी इसके नाम जोड़ के पूछा जाता है कि इसका निर्माण किसने करवाया, बाहुबली की मूर्ति का निर्माण तो चामुंड ने करवाया गया था, चामुंड किस वंश के मंत्री थे या शासक के थे, तो गंग वंश के शासक थे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, साथ में यदि अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़कर इसे सब्सक्राइब लाइक एंड अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक सभी वो दोस्तों के पास कैसे पहुंचेगा, जो पढ़ाई में इच्छुक रखते हैं, इच्छा रखते हैं, वो चाहते हैं कि हम कंपटीशन निकालें, तो आप उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।